क्या रेस करनी है? ओ भाई इतना मोबाइल गिर गया भाई, क्या हुआ? हुआ क्या, मतलब क्या हुआ भाई? रेस लगाएगा क्या? पब्लिक को दिख रहा है, किसने दिखाया? आपने किसने दिखाया? अगर इतना शौक है रेस का तो भाई आजो बैठो बाइक पे, चलो आओ। ऐसे बोल के करो ना भाई, कट मारने से क्या हो जाएगा? ओ देखो, ओ गिर गई। हाँ जी हाँ जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजा डीसी। तो गाइस आज हम आ चुके हैं दिल्ली में, तो आज वाला ब्लॉग जो आने वाला है वो दिल्ली में आने वाला है। अभी V3 बोस था, थोड़े फ्रेश हो रहे हैं तो मैं भी फ्रेश हो गया। मैंने सोचा इंट्रो वगैरह कर लेते हैं, तो अभी हम निकालेंगे भाई अपने RR और ड्यूक भी लाइए भाई। तो रईस हमारे साथ नहीं है, वो घर पे ही है। तो अभी हम जाएंगे एक बॉम्सी राइड करने के लिए। जो सामान मुझे अपनी बाइक के लिए दिल्ली से, जम्मू से लेना सॉरी, तो वो आज मैं दिल्ली से लूँगा। और भी साथ में अपने शाफेज भाई भी शाही से आएंगे हमारे साथ राइड के लिए। तो दो RR होने वाली है, एक ड्यूक होने वाली है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अब मैं दिल्ली में जितने दिन भी हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए रेगुलर ब्लॉग्स लाऊँ, क्योंकि भाई बहुत सारे बंदे बोल रहे राजा भाई डेली ब्लॉग नहीं आ रहा है। और एक प्रॉब्लम और, बहुत सारे बंदे बोल रहे कि भाई हमें ना वरना पे ब्लॉग देखने। तो भाई वरना के लिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक न्यू चैनल बनाया जाए। अगर भाई आप इस वाली वीडियो में ढेर सारे कमेंट करते हो कि हाँ राजा भाई वरना के लिए अलग से चैनल बनाओ, तो भाई उसके फिर आपको कमेंट करने पड़ेंगे। अगर भाई आप सबने कमेंट करोगे कि हाँ वरना के लिए चैनल बनाओ, तो फिर भाई जरूर बनाएंगे। भाई अगर आप सारे वरना के लिए बोल दोगे कि हाँ भाई उसके लिए नया चैनल बनाओ, तो भाई फिर मैं जो भी अपनी वरना में इंस्टॉल कराया करूँगा कोई भी चीज़, तो भाई मैं उसके लिए आपके लिए एक अलग से ब्लॉग बना के उस चैनल पे डाल दे करूँगा। क्योंकि बहुत सारे बंदे ना वरना लवर बन चुके हैं, और आपको पता कि भाई आपके भाई ने वरना को कैसे बना दिया है। तो अब अपनी गाड़ी में ना बॉम्ब हो चुकी है, तो बस अब उसमें एग्जॉस्ट फिट करवाना है। तो सबसे पहले तो आप ये काम करो कि आज वाले ब्लॉग में कमेंट करना कि भाई हाँ उसका न्यू चैनल बनाओ। तो जैसे गाइस उसका न्यू चैनल हम बना देंगे, फिर उसके लिए हम एक अच्छा सा नाम सोचेंगे, देन उसके बाद बैक टू बैक उस पर वरना की वीडियोज आएंगी। तो आज का ब्लॉग भाई दिल्ली में रहने वाला है, तो भाई आज ना हमें कुछ काम है। इन भाई ने अपने लिए हेलमेट भी लेना है, न्यू सेटअप भी लेना है, मेरे को और V3 बोस को भी अपने लिए कुछ सामान लेना है। तो उसके लिए हम करोल बाग जाएंगे। तो बाकी आप बता देना भाई कैसे हो, वापस दिल्ली आए, कहर मचाने दो चार दिन के लिए, तबाही डालेंगे। तो बाकी बातें छोड़ो, आपको नाक पे कैसे लगी? आपकी पब्लिक नाराज हो जाएगी, पहले बता दो V3 बोस फैमिली को। चाबी के साथ लगा था, सही बात है। आपके V3 बोस को थोड़ी सी लगी हुई है, बट चलो फिर भी हैंडसम ही लग रहे हैं, आपको पता भाई इनकी लुक कैसी है। तो बाकी आपको सामने बाइक्स दिख रही होंगी, तो अभी हमारी दोनों बाइक्स रेडी है भाई ब्लॉग के लिए। तो अभी हम इधर से निकल रहे हैं, एक प्यारी सी राइड करेंगे आप सबके लिए। तो ये सामने भाई भी, भाई देखो क्या लुक लग रहा है, हाय कर दो ब्रो, बाय बाय। तो गाइस अभी अपने सब्सक्राइबर मिल गए थे भाई, दिल्ली में भी वही हाल रहता है और जम्मू में भी। बट आपका भाई हमेशा भाई हर एक सब्सक्राइबर के लिए रुकता है, क्योंकि भाई आप सब बहुत, तो भाई राजा डीसी है और आज V3 बोस भी भाई राइड करने वाले हैं। कैसा फील हो रहा है? काफ़ी देर के बाद आपका भाई आज RR 310 चला रहा है और V3 बोस चला रहा है भाई ड्यूक 390। तो भाई जा रहे हैं अभी हम करोल बाग वाली साइड। दिल्ली वाले सब्सक्राइबर भाई मिस कर रहे थे, राजा भाई जम्मू से दिल्ली कब आओगे, जम्मू से दिल्ली कब आओगे? तो आपका भाई फाइनली आ चुका है। आस्था चला करो, आस्था आस्था, बाकी अच्छा। हाँ जी हाँ हाँ, मैं जरूर मिलूंगा, जरूर मिलूंगा। ओके ओके, आराम से चलाओ। तो गाइस अपने सब्सक्राइबर है भाई, इनको बोल रहा था भाई आस्था चलो, क्योंकि भाई पीछे ना छोटा बच्चा बैठा हुआ और स्कूटी पे तो आपको पता भाई छोटे छोटे टायर्स होते हैं भाई, बहुत डर लगता है स्कूटी पे भाई। सारे बंदे बोलते भाई लास्ट वाला जो आपने मीटअप रखा था भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, और आपको पता है कई बंदे ना मीटअप रखते हैं तो भाई बंदे ही नहीं पहुंच पाते हैं, और भाई बातें वो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि ऐसा वैसा। भाई मेरा तो बिल्कुल भी माइंड नहीं था यहाँ पे भी मीटअप रखने का, बट V3 बोस ने बोला भाई रखो। भाई इतने ज्यादा बंदे मिलने आए थे ना, तो भाई खुश हो गए थे। तो आज की राइड पर ढेर सारा मजा आने वाला है, क्योंकि बड़े बंदे बोलते भाई V3 बोस को बोला करो भाई बाइक राइड करो। मैंने स्पेशली V3 बोस को बोला भाई आप भी बाइक चलाओ, कि जो आपके सब्सक्राइबर है भाई वो भी थोड़े खुश हो जाएंगे कि शुक्र है भाई V3 बोस भी बाइक चला रहे हैं। तो बाकी अभी फटाफट निकलते करोल बाग वाली साइड में, V3 बोस तो भाई एकदम बॉम्ब तरीके से भगा रहे हैं। तो चलो भाई V3 बोस के पास ही चलते हैं और बोलते हैं भाई हमारे साथ भी थोड़ी सी बाइक भगा लो। आओ भाई रेस बड़ी तेज चला रहे हो ब्रो, आ जाओ। ओ लीन लीन मास्टर हमारा V3 बोस भाई, ये बंदा ना सच में बहुत प्यारी बाइक चलाता है, लीन वगैरह कट वगैरह बहुत खतरनाक मारता है। बट ये बंदा ना भाई शो नहीं करता है यार, बताता नहीं है कि भाई मैं ऐसे ही चलाता हूँ। और ये बंदा ना कभी कभी मैं बोलता हूँ महीने में एक बारी बाइक चलाएगा या दो बारी बाइक चलाएगा, बट सच बोलता हूँ भाई मैंने इस बंदे के साथ राइड की है, ये सच में भाई बहुत खतरनाक चलाता है। और जब ये बंदा लीन मारने पे आता है ना, तो भाई फिर अच्छे अच्छों को पीछे छोड़ देता है। आ बॉस थोड़ी सी भगाओ भाई, V3 बॉस और राजा डीसी की रेस कभी कभी देखने को मिलती है भाई, रोज रोज नहीं, बट फिर भी आपके भाई ने पीछे कर ही दिया भाई। आ चुका आगे ट्रैफिक, और ट्रैफिक में तो आपको पता है आपका भाई कैसे निकलता है भाई शू शू करके। हाल रहता है शाम को दिल्ली का भाई, सीधा भाई रेड लाइट। मैं आपको ना थोड़ा सा खड़े होकर दिखाता हूँ भाई, वो देखो भाई जहाँ तक भी नजर पड़ रही है ना भाई सिर्फ भाई गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं।
तो भाई मुझे नहीं लगता है भाई हम कब वहाँ पे पहुँचेंगे। और भाई आपको पता है भाई मैंने अपनी वरना भी भाई टोटल मॉडिफाई करवा दिया है, और बहुत सारे बंदे बोल रहे थे कि भाई हमें ना वरना पे ब्लॉग चाहिए। तो भाई मैंने एक चीज़ डिसाइड की है कि भाई अगर आप बोलते कि मैं वरना अकेले भाई एक सेकंड चैनल खोलूँ, तो भाई आप सब ना मेरे को बता देना। तो भाई इस वाली वीडियो में ढेर सारे कमेंट कर देना कि राजा भाई चैनल खोलो और प्यारा सा चैनल का नाम सोच के, तो भाई फिर वरना का एक चैनल खोल देते हैं। और भाई अपने कैसे ब्रो, तो भाई भाई दिल्ली से ना बहुत ज़्यादा प्यार है यार मैं। और भाई कैसे हो? हाँ जी, और भाई कैसे, कौन सी क्लास में हो? और बढ़िया, कैसी लगती है वीडियोस? तो देखो भाई वित्री बॉस भी यही चीज़ बोल रहा है भाई, दिल्ली का प्यार। और सच में यार दिल्ली से नेक्स्ट लेवल प्यार है भाई, और इतने अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर है भाई। तो बाकी मैं वरना की बात कर रहा था, तो बाकी इस वाली वीडियो में ढेर सारे कमेंट कर देना। अगर भाई आप ढेर सारे कमेंट कर दोगे तो भाई कल परसों हम चैनल खोल देंगे। जैसे भाई उस पर 20K सब्सक्राइबर हम कंप्लीट कर लेंगे, देन उसके बाद भाई हम उसके ऊपर ना भाई एक वीडियो है जो भाई वो डाल देंगे प्यारी सी, क्योंकि भाई अभी वरना में ना और भी बहुत कुछ होने वाला है। अभी तो हमने अलॉय वगैरह डाले हैं, अभी तो मैं सोच रहा हूँ भाई ये वाले अलॉय चेंज करके स्टार वाले डालूं, देन अभी एक डिफ्यूजर भी लगवाना है, और भी भाई बहुत कुछ सोचा हुआ। तो इस वाली वीडियो में सब कुछ नहीं बताऊंगा, वो वरना वाले चैनल पे बताऊंगा भाई क्या क्या करना है। तो बाकी आप कमेंट कर दो कि भाई सेकंड चैनल बनाए या नहीं। भाई अभी ना इतनी ज्यादा धूप लग रही थी और अचानक से भाई वेदर ना चेंज हो गया भाई, एकदम से ठंडा वेदर हो गया यार, तो भाई बिल्कुल सही हो गया। और ऊपर से इसलिए भाई आज मैंने राइडिंग जैकेट भी वेयर नहीं की थी, क्योंकि भाई यार गर्मी इतनी ज्यादा थी ना भाई, ज्यादा गर्मी ना भाई जून जुलाई में जब होगी ना, मैं सोच रहा हूँ भाई मैं तब कैसे ब्लॉगिंग करूंगा। तो अभी तो भाई इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी, बट शुक्र है भाई थोड़ा सा मौसम है जो ठंडा हो गया। जब हम आए हुए हेलमेट लेने के लिए, शाफिज भाई ने हेलमेट लेना था, देखते हैं पसंद करते हैं भाई कौन सा हेलमेट लेंगे। देखो कितने प्यारे प्यारे हेलमेट यहाँ पे लगे हुए हैं, तो अगर आपको भी इनमें से कोई अच्छा लगेगा तो भाई बता देना, वही हेलमेट हम भी ले लेंगे। तो भाई ये देखो बेबी बैंग, तो देखते हैं भाई कौन सा हेलमेट उनको अच्छा लगता है। अभी ना भाई को हेलमेट वगैरह पसंद नहीं आया, वो बोल रहा है कि भाई न्यू हेलमेट्स कब आएंगे, तो भाई बोल रहे भाई नेक्स्ट वीक तक आएंगे। तो चलो कोई बात नहीं भाई, बोल रहे नेक्स्ट वीक तक वेट कर लेते हैं। तो बाकी आपके भाई की हेलमेट तो भाई डिफरेंट ही है भाई, ये देखो भाई ब्लू कलर की, और आपका भाई खुद ही भाई डिफरेंट है यार। तो बाकी अभी निकलते हैं यहाँ से, भूख वगैरह भी लगी है, कुछ खा पी भी लेते हैं, देन उसके बाद चलते हैं। तो अभी हम कुछ खाने के लिए आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, इफ्तारी। तो गाइज वित्री बॉस ने रोज़ा रखा हुआ था, तो अभी इफ्तारी करने के लिए आ गए हैं। इन दोनों भाइयों ने रखा हुआ था, मैंने भी रखा हुआ था समझो, तो अभी हम इफ्तारी करेंगे, अच्छी सी चीज़ खिलाएंगे वित्री बॉस हमें। कितने बजे इफ्तारी होती है? 6:48 पे। तो गाइज अभी एक मिनट के बाद इफ्तारी हो जाएगी, तो अभी बैठते हैं यहाँ पे। काफ़ी शाम हो चुकी है भाई, लेट हो गए भाई, किसी काम के लिए गए थे आपको पता, तो अब हम जा रहे हैं भाई घर वाली तरफ। तो भाई दिल्ली का ट्रैफिक तो आपको पता ही है, सामने दिख रहा होगा आपको, बट आज ना तेज चलाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है यार, काफ़ी ना आस्था चल रहा हूँ। वित्री बॉस उस रोड पर क्या कर रहे हो? तो गाइस वित्री बॉस ना गलती से दूसरी रोड पे चले गए, तो पर चलो वित्री बॉस को पकड़ते हैं। वित्री बॉस को बोलते कि भाई आज साथ में राइड करेंगे, और ये इतना तेज है भाई ये दूसरी रोड पे चले गया है। और ये गाइस वही वाली रोड है भाई जहाँ पे ना वो नाका लगता है, जहाँ पे भाई आपको पता हमसे थोड़े बहुत पैसे वगैरह लिए थे, बट अब ना भाई ऐसा कोई सीन नहीं है। वही पुलिस वाले सर ने बोलता भाई हमसे गलती वगैरह हो गया तो छोड़ो। क्या हुआ भाई, ये क्या सीन है, क्या हुआ, कैसा रेस लगी थी भाई? लग रहा है वित्री बॉस का रेस लगी हुई है इनकी, क्या रेस करनी है? ओ भाई इतना मोबाइल गिर गया, क्या बंदे यार, कौन है भाई, क्या हुआ इनको? कौन है ये, यार कौन है, रेस क्या बोल रहे हैं करते। भाई क्या हुआ, हुआ क्या, मतलब क्या हुआ भाई, रेस लगाएगा क्या? तो भाई ऐसे प्यार से बोलो ना, आप भी भाई व्लॉग बना रहे हो साथ में राइड के लिए, बोलो आप गुस्सा कर रहे हो यार। भाई कैसे बोल रहा है, आपका मोबाइल लगाने का मन कर रहा था भाई, मन तो कर रहा है भाई, अब भगाओ आप, बट आप ऐसे फक फक दिखा रहे हो ना, ये बात गलत है। तो भाई आपका मोबाइल गिर गया, आप आराम से कर रेस करने, सीधा बोलो आप गुस्से से बोल रहे हैं। आप मिडल फिंगर क्यों दिखा रहे थे? हेलो, आप मिडल फिंगर क्यों दिखा रहे थे? नहीं मिडल फिंगर तो किसको दिखा रहे थे? नहीं दिखा, किसको रहे थे आप? मिडल फिंगर दिखाए। हाँ ना यार, आप रेस लगानी है आपको, आओ आजो आजो आओ, नहीं आजो भाई, अगर रेस का इतना शौक है तो आओ। आ रही है पीछे से दिमाग खराब करी, मिडिल फिंगर दिखा रही है बार बार ऊपर से, मैंने भी वही सोचा, मैं यार चल आराम से, ऊपर से मोबाइल गिर गया, मैं रुका मोबाइल उठाने के लिए, आ रहा है मेरे को बोल रहा रेस करनी है, रेस करनी है, ये क्या है, ये क्या करे, चले हम इनका यार फोन तो
क्या हुआ ये गिर गया इनका रेस लगाते हैं यही होता है भाई रेस लगाने यार मतलब ये क्या बदतमीज होती है बिल्कुल आराम से भाई अभी घर जा रहे थे पीछे से आ रहे भाई रेस कर हमने करवाया चला कौन रहा था तेज हम तो फिर भी आस्था चल रहे थे ओ भाई पीछे से आप आए मैं आया झूठ तो भाई देख के बोले वीडियो बन रही है यार पब्लिक को दिख रहा है किसने दिखाया आपने किसने दिखाया मुझे लग रहा है इन्होंने कोई सस्ते नशे किए हैं यार मैं पूछता भी बच्चा नहीं लेता क्योंकि भाई लड़कियों के कम ही तो भाई हमने थोड़ी तोड़ा हमने नहीं हमने थोड़ी तोड़ा हमने थोड़ी बोल क्या रहे आप भाई देखो हुआ क्या पहले पूछ तो यार भाई आप ठीक हो आप भाई आपकी बातों से नहीं लग रहा मेरे को यार कभी आप कुछ बोल रहे हो कभी कुछ बोल रहे हो यार अगर इतना शौक है रेस का तो भाई आ जाओ बैठो बाइक पे चलो आओ भगा लो भाई फिर आओ भगाओ KTM भाई 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 फुल मूड में है भाई रेस के वो देखो ओ गिर गई ओए यार मुझे डर लग रहा है इनके साथ रेस करने में भाई ये गिरेंगे यार और देखो ना लहरा कैसे रहा है भाई पता नहीं क्या सीन है क्या नहीं तो ये देखो मतलब कुछ भी यार एक तो मतलब पहले बदतमीजी की अपना मोबाइल भी गिराया और अब अपनी बंदी भी गिराने वाला था पीछे से यार बस यार मत बगा वो गिर जाएगी यार छोड़ रहने दे ये देखो यार मतलब इन्होंने सिर खा लिया यार गाइस मतलब ये पीछे पड़ गया यार चिपक ही गया बिल्कुल यार क्या हुआ एक तो V3 बोस है इनको पंप दे रहा बार बार थ्रॉटल मार के यार और पता नहीं कुछ लड़की कुछ बोल रही है तो बात सुन लेते हैं पहले तो आपने बदतमीजी की हमारे साथ यार नहीं यार पहले आपको मजा नहीं ना आ रहा था पहले आप एकदम चैलेंज कर रहे थे हमें भाई आए पीछे से इशारा करने लगे ये वो जोश आ रहा था भाई जोश आ रहा था बाइक पे निकालो ना आप चैलेंज करना रोक के दो भाई हाँ अगर आपको राइड करने से सिंपली हमें बोलते वो कोई बात नहीं यार भाई आप अपने कोई सीन नहीं ऐसा अरे कोई बात नहीं यार तुम्हारे साथ बाइक पे बैठने की बहुत सोच रही है आपके पास इतनी अच्छी बाइक है यार भाई KTM लड़कियों को वैसे बहुत पसंद होती है हैं वो बोल रहे बाइक के पीछे बैठना है नहीं भाई ये पीछे बैठ के बैठ जाओ यार पीछे बिठा दो यार ऐसे यार आपके पास भी अच्छी बाइक है अब बोल रही है सॉरी ये वो पहले भाभी तेरी तेज आई पीछे से गालियां दे रही थी मतलब सीधा फक फक मैं सोचा सही से तेरी रेस लगी हुई है सीधा ही उंगलियां दिखा रही थी ये वो मैं चल कोई बात नहीं और रेस भी क्या करनी है हेलमेट नहीं पहना हुआ था तो मैं क्या ही बोलता हैं आप खिंचवाओ कोई बात नहीं ओके ओके आ जाओ चलो ठीक है कोई बात नहीं राइड करनी होगी नेक्स्ट टाइम करेंगे जरूर बट नेक्स्ट टाइम मिडल फिंगर मत दिखाना यार प्लीज बाकी आप भी बहुत अच्छी चलाते हो यार कैंड चला रहे थे आप भी आपके साथ राइड पर क्या बात है मिडल फिंगर क्या हुआ मेरी बहुत मोबाइल दे रहा है लड़की अच्छा चलो 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 सही है भाई अभी वो राइड मांग रहे थे तो हमने शाफेज भाई को बोला आप ही बिठाओ यार मैं ना कम ही बिठाता हूँ यार भाई एक नंबर पर जा रहा है शाफेज भी यार वो देख रहे हो और मैं तो भाई बिल्कुल स्लो भगा रहा हूँ आज क्योंकि मेरे को रेस लगाने का ना बिल्कुल भी मूड नहीं था और ऊपर से आके इन्होंने भाई ऐसी बदतमीजी की ना यार मैं आपको बता नहीं सकता और ऊपर से इन्हों का मोबाइल भी गाइस गिर गया यार ओ भाई शाफेज भाई भी लग रहा लड़की उठा के ना पागल हो गया शाफेज भाई लेट हो गए यार गुरु के पास भी आई चलो शाफेज भाई हाँ जी हाँ जी कैसे हो भाई कैसे पहचाना भी अपने सब्सक्राइबर मिल चुके हैं भाई तो अच्छा लगा मिल गया यार